हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस ऑफ देश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 1 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिम्सटेक की। बिम्सटेक जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी रिसेंट ईयर्स में आया है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है, समझिएगा। बिम्सटेक जो है वो नाम से पता चलेगा, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली एक तरीके से बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्रीज फैली हुई हैं, उन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए नया ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है बिम्सटेक। बिम्सटेक पहले बहुत ज्यादा हाईलाइट में नहीं हुआ करता था, सार्क बहुत ज्यादा हाईलाइट में हुआ करता था। सार्क इज SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, ये सब कंट्री शामिल थे। बट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब से रिलेशंस खराब हुए हैं, तब से सार्क की मीटिंग्स नहीं हो रही है। तो इंडिया को एक दूसरा फोरम चाहिए, दूसरा मंच चाहिए कोई, जिसमें वेस्ट में पाकिस्तान को छोड़कर ईस्ट वाली तरफ के सारे लोगों के साथ मिलकर कॉरपोरेशन के साथ में काम किया जा सके। तो बेसिकली बिम्सटेक वही है। बिम्सटेक जो है वो एक तरीके से यूनिक लिंक प्रोवाइड कराता है इंडिया को इन सब कंट्रीज के साथ में, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे इंडिया के पड़ोसियों के साथ में काम करने का। सो इसमें जो है वो साउथ से साउथ ईस्ट कंट्रीज में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका शामिल है, एंड इसके अलावा म्यांमार एंड थाईलैंड भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है बिम्सटेक। बिम्सटेक की फाउंडेशन हुई थी 1997 में विद एम्बिशन टू परस्यू म्यूचुअल ट्रेड कनेक्टिविटी एंड कल्चरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। बिम्सटेक के मिनिस्टर्स की जो है वो 8th मीटिंग हुई है। ये 8th मीटिंग हुई है ये नहीं पूछेगा आपको, बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा बिम्सटेक क्या है और कौन इसके मेंबर कंट्रीज है। मैप के मीडियम से ध्यान रखने में हेल्प होगी आप लोगों को। याद रखिएगा श्रीलंका, इंडिया, ठीक है, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। इस तरीके से सर्किल बनता है बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ का, जिसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर लीजिएगा प्लीज। तो एक तरीके से श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, इन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है बिम्सटेक। तो ये चीज आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछने के चांसेस है, इसीलिए मैंने बिम्सटेक को इस तरीके से आज टॉपिक के तौर पर लिया। नेक्स्ट, पैरालंपिक खेल जो चल रहे हैं उसके अंदर से बात करेंगे तो मरियप्पन थंगवेलु एंड शरद कुमार, इन दोनों ने जो है वो सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मरियप्पन टी जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। और इसी के साथ में जो है पैरालंपिक खेल से जुड़ी भी आज की अपडेट यही है। आज करंट अफेयर्स में ज्यादा कुछ नहीं, तो वीडियो को यही खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।